महिला का आरोप कोतवाली बहेड़ी के सिपाही ने उसके पति से रुपए लेकर उसे दे रहा है धमकी, दोबारा यहां दिखाई दी तो जेल भेज दूंगा। दरअसल बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के शेर नगर निवासी महिला का निकाह 10 साल पहले शेखपुर के रहने वाले रियाज अहमद से हुआ था। 8 दिसंबर 2020 को उसके पति ने जबरदस्ती से तलाक नामे पर दस्तखत करा लिए। इसकी जानकारी उसे जब हुई तब महिला थाने में तहरीर लेकर पहुंची। महिला का आरोप है कि उसके पति से रुपए लेकर बहेड़ी कोतवाली का सिपाही उसे हड़का रहा है कि तहरीर लेकर दोबारा यहां दिखाई दी तो तेरे खिलाफ मुकदमा लिख कर जेल भेज दूंगा। महिला ने बताया कि कई बार थाने में संपर्क की कोशिश की मगर आरोपी सिपाही उसको गाली गलौज करके भगा देता है। अब महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाई है कि बहेड़ी कोतवाली को निर्देश करे कि आरोपियों के विरुद्ध 3 तलाक पारित कानून का नामजद पालन हो। कि आपको कुछ पैसे दिए गए हैं, वो किस चीज के पैसे दिए गए हैं बताएंगी हमें? वो हमारे पिता ने उधार दिए थे, इनको उन्होंने उधार मंगाए थे हमारे घर से मैके से धमकी देकर कि अपने मैके से पैसा लेकर आओ। वो कितने रुपए थे? 2,65,000 रुपए मंगाए थे। वो इन्होंने कागज पे हमसे धोखे से साइन ले लिए कि मैं महर के पैसे दे रहा हूँ उसको। तो वो किस चीज के पैसे थे? वो हमारे पिता के पैसे थे। वो आपके पिता ने किस लिए दिए थे उन्हें? कार काम करने के लिए दिए थे उनको, इन्होंने कपड़े का काम करके किया था। ये कपड़े का काम करते हैं व्यापारी, ये कपड़े के सलीना। कहाँ की रहने वाली? बहेड़ी की। क्या हुआ था बताइए। ये हमारे साथ, हमारे पति ने मारपीट की थी हमारे साथ। किस लिए? भाभी के साथ नाजायज संबंध है उसके। जी। वो अपनी भाभी के साथ रहता है। फिर वो ये कहता है कि मैं अपनी भाभी के साथ रहूँगा, तेरे साथ नहीं रहूँगा। मारता था, तोड़ता था बहुत मुझे, इसी में झगड़े होते थे। झगड़े में ही हम अपने मायके चले गए। उसी बीच हमें थाने में बुलाकर हमारी तलाक दी उसने 8 तारीख दिसंबर। फिर जी, तो आपने इसकी शिकायत जब पुलिस से की तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा, पुलिस उन्हीं के साथ होगी। अब आप वहाँ 4 लोग थे, उन्होंने हमें दबाव में आकर हमसे कागज लिखवा लिया। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को रहना चाहते हैं। हमारे बच्चे हमारे छीन लिए गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं, कितनी लड़की? 2 लड़के हैं। दोनों लड़के? 9 साल का है, 1 6 साल का है। तो मारते तोड़ते थे आपको या कुछ और भी वगैरह बातें हुई हैं जो आपके बीच में? मारते पीटते थे बहुत हमें। मान में भाभी के साथ रहेंगे, नंद भी बहुत मारती थी। एक नंद है इशरत, वो बहुत मारती थी, हमें गाली भी देती थी, निकालती भी थी घर से। वहाँ जाके शिकायत की इस बात की थाने में, तो प्रशांत पुलिस वाले ने हमें धमकी दी। किसने दी धमकी आपको? प्रशांत, प्रशांत पुलिस वाले हैं, उन्होंने धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लगवा देंगे। आपको किस लिए धमकी दी, आपको किस लिए उन्होंने कहा ये ऐसी धमकी? कार्रवाई की हमारे साथ, ऐसा सा करा उन्होंने, गलत कागज़ लिखवाया है, हमारे साथ कागज गलत लिखवा दिया उन्होंने, हमसे साइन ले लिया, हम पढ़े हुए नहीं हैं जी। तो उन्होंने हमें धमकी दी, हम तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। हमसे बदतमीजी की उन्होंने जी। और हमारे पति से उन्होंने पैसा ले रखा है। आपके साथ में जब बदतमीजी की, आपसे इस तरीके से बोले, तो आपने इसकी शिकायत किसी से नहीं की? की थी। फिर क्या क्या है उन्होंने? तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा वहाँ पे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने हमारे ऊपर ही सारी बात रख दी, आप ही गलत है। अधिकारियों ने आपकी बात को नहीं माना? नहीं मानी हमारी किसी ने बात। शिकायत की थी क्यों? अभी नहीं की बरेली शिकायत, क्यों की थी हमने शिकायत? नखलऊ से क्या? नखलऊ हमने रिपोर्ट कराई थी, वहाँ से आया भी था। वहाँ पे लोगों ने, पुलिस ने यहाँ से राजीनामा लिख के भेज दिया, पैसा लेके उससे, उसने पैसा लेके रियाज से राजीनामा लिख कर भेज दिया और कहा कि हमने राजीनामा कर लिया। फिर वहाँ से हमारे पास कॉल भी आई नखलऊ से कि आपने राजीनामा कर लिया। हमने कहा हमने तो नहीं किया है राजीनामा। उन्होंने कहा पुलिस में जाके बात करो, पुलिस से बात करो, पुलिस आपकी सुनवाई करेगी। लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करेगी कोई भी।